टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब बड़े कदम उठाने जा रहा है। भारत की टी20 टीम में अगले 24 महीने में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे बाहर करने की योजना बनाई जा रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। ऐसा लगता है कि अश्विन और दिनेश कार्तिक ने सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए अपने आखिरी मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन बीसीसीआई अपने टी20 भविष्य के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी कोहली और रोहित पर छोड़ देगा। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद परेशान दिख रहे रोहित को मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने तसल्ली दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना भी किया। अगला टी20 वर्ल्ड कप अब भी 2 साल दूर है। अगर मामले की जानकारी रखने वालों की बात मानी जाए तो हार्दिक पांड्या की अगुवाई में नई टीम तैयार होगी, क्योंकि वह लंबे समय तक कप्तानी करने के दावेदार हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, बीसीसीआई कभी किसी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहता, यह एक व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन हाँ, 2023 में सीमित टी20 मुकाबले को देखते हुए सीनियर खिलाड़ी वनडे और टेस्ट मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आपको संन्यास की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। आप अगले साल ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों को टी20 खेलते हुए नहीं देखेंगे। ऐसे में आने वाले समय में विराट और रोहित का टी20 टीम का हिस्सा बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है। रोहित और कोहली बहुत बड़े नाम और संभावना है कि बीसीसीआई अपने भविष्य का फैसला उन्हें ही करने देगा। रोहित अभी 35 साल के हैं और 2 साल में 37 की उम्र में उनके आने वाले टी20 में टीम की अगुवाई करने की उम्मीद नहीं है। वहीं कार्तिक को मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए फिनिशर की भूमिका सौंपी गई थी। जहां तक अश्विन की बात है तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान वह विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में नाकाम रहे। 6 मैचों में उनके 6 में से 3 विकेट जिम्बाब्वे के खिलाफ थे। उन्होंने उस दौरान 8.15 की इकॉनमी रेट से रन दिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।